चाय की चुस्कियों के साथ गुजरात की सियासत के बारे में चर्चा। हमारे सहयोगी पूर्व पटेल अहमदाबाद पहुंचे, चाय पर चर्चा में क्या कुछ सामने आए नजर आते हैं। मन की बात चाय के साथ, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा कैंपेन इसी के साथ शुरू किया। मन की बात यानी पीएम ने मन की बात की और चाय के साथ यानी चाय पे चर्चा जो 2014 में पीएम ने शुरू की थी प्रचार के लिए, आज ही से बीजेपी ने चुनाव प्रचार इसी से शुरू किया 182 सीटों से। हम दरियापुर में है, चाय पे चर्चा हमारा एक विशेष कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। दोपहर 3 बजे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर इकरामुल्ला खान। इकराम भाई, ये बताइए कि सच में भारतीय जनता पार्टी का अहमदाबाद में वेव है, दरियापुर जीतने के लिए उन्होंने ये किया हो, क्या आपके स्थानिक मुद्दे भी है? नहीं, स्थानिक मुद्दे तो कोई नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है। दो इनने कांग्रेस सरकार ने बोला है कि दो बम सरकार ने गिराए हमारे ऊपर, बाकी दोनों बम सरकार ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करा है। इतना बड़ा नोटबंदी का इश्यू था, उसको भी बहुत आसानी से पूरे देश में पूरा करा इन्होंने। और रहा जीएसटी का सवाल, तो जीएसटी तो भाई टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, अपने देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरकार के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेगी, रोड सड़कें बनेगी, विकास होगा। देखिए, लोग यहाँ पर विकास के फेवर में है, लोग चाहते हैं कि विकास हो। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ। क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन, आपकी अब मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में, क्या देख के वोट करेंगे? हम तो देख के कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि अभी जो नोटबंदी का निकाला है वो नोटबंदी में बिल्कुल मतलब हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, मतलब नुकसान ही हुआ है हमारा नोटबंदी के हिसाब से। और जो ये सब जीएसटी वीएसटी लगा रहे, ये सब बिल्कुल बेकार है, हम गरीबों को लूटने की बात है ये। बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों की राय है, चाय भले ही बीजेपी में पी रहे हो, ये अहमदाबादी मिजाज है ये। आप बताइए बहन, चाय पे चर्चा भी यहाँ पर हुई, किस तरह के मुद्दे हैं आप लोगों के? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के तो है ही, लेकिन मुद्दे क्या है दरियापुर के इस इलाके? इस इलाके के पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब ऐसा माहौल था कि सलामती नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, पर जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गुजरात में आई है तब से ये भी हमारा भाईचारा जैसा हो गया है। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी इतनी है, हिंदू कम्युनिटी, और वहाँ अलग अलग समाज के लोग भी रहते हैं। आज आपने देखा होगा चाय पे चर्चा पे कि देखा, सब ने साथ मिलकर यहाँ पे चाय भी पी, और सभी यहाँ भी अभी खड़े हैं। आप लोग देखते होंगे कि यहाँ सब लोग खड़े हैं, भाईचारा के हिसाब से सब लोग खड़े हैं, और मन की बात सब ने सुनी है। लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दे से वोट करेंगे, कोई कह रहा है कि जीएसटी से परेशान है, कोई कह रहा है नोटबंदी से परेशान है, लेकिन अब देखना ये होगा, फैसला 18 तारीख को जनता करेगी कि आखिरकार बीजेपी का कमल खिलता है 150 या कांग्रेस को दोबारा एक बार यहां पर सत्ता मिलेगी। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।